नमस्ते बच्चों, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज प्रत्यय के टॉपिक में अपन बात करते हैं तीसरे वाले प्रत्यय की। वो प्रत्यय है तुमुन, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय की आज अपन बात करते हैं। देखो, जो तुमुन प्रत्यय होता है, ये तुमुन प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में लगाया जाता है। भूतकाल के अर्थ में सभी धातुओं में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इस तुमुन प्रत्यय के लिए अपन अर्थ देखते हैं पहला, कि किस अर्थ में आता है। तो तुमुन प्रत्यय का जो होता है, ये अर्थ के लिए के अर्थ में आता है। के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात करें इसकी शेष की, इसका शेष क्या रहता है। जो तुमुन प्रत्यय की बात करते हैं अपन, तुमुन प्रत्यय के शेष की, तो तुमुन प्रत्यय का जो शेष रहता है वो क्या रहता है, तुम। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। फिर इसमें तीसरे इस पे बात करते हैं अपन परिवर्तन की, कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन में पहला परिवर्तन क्या होता है, कि धातु में आने वाले, धातु में आने वाले, धातु में आने वाले स्वर का क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, गुण हो जाता है। धातु में आने वाले स्वर का गुण हो जाता है, क्या हो जाता है, याद रखना अच्छी तरह से, धातु में आने वाले स्वर का गुण हो जाता है। स्वर का मतलब, जैसे अगर इ की मात्रा आती है तो उसको किस में परिवर्तन करेंगे, ए में। उ की मात्रा आएगी, इसको किस में परिवर्तन करेंगे, ओ में। री की मात्रा आएगी, इसको किस में परिवर्तन करेंगे, अर में परिवर्तन करेंगे। ये तो पहला परिवर्तन था। दूसरे परिवर्तन की अपन बात करते हैं, तो दूसरे परिवर्तन में क्या है, धातु के अंत में, धातु के अंत में आने वाला, धातु के अंत में आने वाला च वर्ग, धातु के अंत में आने वाला च वर्ग क में बदल जाता है, क में बदल जाता है। धातु के अंत में आने वाला च वर्ग क में बदल जाता है। च वर्ग में पांच वर्ण आते हैं, तो पूरे पांचों वर्ण किस में चेंज होंगे, क में बदल जाएंगे। तीसरे नियम की बात करते हैं, कि तीसरे नियम में क्या आता है, तो तीसरे नियम में आता है धातु के अंत में। तो देखो, तीसरे वाले परिवर्तन में अपन बात करते हैं धातु के अंत में, धातु के अंत में, तो हो गया ना, धातु के अंत में आने वाले स्वर का किस में चेंज हो जाएगा, धातु के अंत में आने वाला च वर्ग किस में परिवर्तन हो जाएगा, क वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरे नियम की बात करते हैं, कि कुछ धातुओं में, कुछ धातुओं में धातु व प्रत्यय के बीच, धातु व प्रत्यय के बीच ई का आगम हो जाता है, ई का आगम हो जाता है, ई का आगम हो जाता है। तो ये तो थे तुमुन प्रत्यय के परिवर्तन के नियम। पहला नियम है धातु में आने वाला स्वर, धातु में जो भी स्वर आता है उस स्वर का किस में परिवर्तन होगा, गुण में परिवर्तन होगा। यदि ई की मात्रा आएगी तो ए में परिवर्तन होगी, उ की मात्रा आएगी तो ए में ओ में परिवर्तन होगी, और ऋषि वाले की मात्रा आएगी तो अर में परिवर्तन होगी। धातु के अंत में आने वाला च वर्ग, यदि धातु में कोई च वर्ग आता है तो वो च वर्ग किस में चेंज होगा, क में चेंज हो जाएगा, क में बदल जाएगा। कुछ धातुओं में धातु और प्रत्यय के बीच में किसका आगम हो जाता है, ई का आगम हो जाता है। ये तो है इसकी बेसिक नॉलेज की बात। अब अपन यहाँ पर इसके उदाहरण बनाते हैं, कि उदाहरण किस प्रकार से बनेंगे और कैसे इनको अलग अलग करके लिखा जाता है। उदाहरण बनाते अपन तुमुन प्रत्यय के। तो तुमुन प्रत्यय के उदाहरण में पहला देखो, पहले तो आएगी धातु, फिर इसके बाद में आएगा प्रत्यय, और प्रत्यय के बाद में आता है निष्पन्न स्वर, निष्पन्न शब्द। निष्पन्न का मतलब इन दोनों को जोड़ने से बना जो शब्द होता है, धातु और प्रत्यय को जोड़ने से जो बनता है वह कहलाता है निष्पन्न। अब यहां पर अपन धातु में लिखते हैं, इससे गम धातु, लिख धातु, चल धातु, युज धातु, भुज धातु,
क्रुद धातु, पट धातु, तो ये तो होगी यहां पर धातु। अब यहां पर अपन प्रत्यय लगा करके इनके शब्द बनाते हैं। जैसे तुमन प्रत्यय तो तुमन का तुमन प्रत्यय, सभी में तुमन प्रत्यय लिख देते हैं पीछे। अब देखो यहां पर अपन को शब्द बनाना है इनसे। देखो पहला नियम देखो, धातु के अंत में क्या आ रहा है, म। धातु के अंत में म आता है तो म किस में चेंज हो जाता है, न में चेंज हो जाता है। धातु के अंत में आने वाला म न में चेंज हो जाता है, तो यहां पर घ म को किस में चेंज करेंगे, न में, क्योंकि यहां म कैसा है हलंत, जो न बनेगा वह भी कैसा बनेगा, हलंत बनेगा। न को हमेशा हलंत न लिख करके इसको आधा लिखा जाता है। तुमन प्रत्यय का जो शेष रहता है वो क्या रहता है, तुम। इसको शब्द जोड़ देंगे यहां से क्या बन जाएगा, तुमन, तो गंतुम हो जाएगा। उसके बाद में लिख धातु, लिख धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इक, ईश्वर आ रहा है, ईश्वर को ए में परिवर्तन करेंगे। ले, खामी किसकी मात्रा लगाएंगे, ई की, और तुम, लेखी तुम। उसके बाद में चल धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा अपने पास में, चली तुम। उसके बाद में युज धातु में देखो यहां पर ऊ स्वर आ रहा है, ऊ स्वर किस में चेंज होगा, ओमे, तो ये ओमे। ज को किस में चेंज करेंगे, क में, क्योंकि ज किस में आ रहा था, च वर्ग में, और तुम, तो ये बन गया योग तुम। ऐसे ही भुजे, भुज धातु, भुज धातु में भी ऊ आ रहा है तो ओमे चेंज कर दो, क आ रहा है, ज, च वर्ग आ रहा है, च वर्ग को क में चेंज कर देते हैं, और तुम, तो ये बन गए यहाँ पर भोग तुम। ऐसे ही क्रुद्ध धातु आ रही है, क्रुद्ध धातु में ओ आ रहा है, ओ को ओ में चेंज करेंगे, ओ। ध में किसकी मात्रा लगाएंगे, ई की, और क्रोधी तुम। इसके बाद में फिर आता है पट धातु, पट धातु में एक ही मात्रा जोड़ेंगे, पटी तुम। तो इस प्रकार से तुमन प्रत्यय के उदाहरण बनाए जाते हैं। घम धातु, तुमन प्रत्यय जोड़ा तो गन तुम, लिख धातु तुमन प्रत्यय जोड़ा तो लेखी तुम, चल धातु तुमन प्रत्यय जोड़ा तो चली तुम, युज धातु तुमन प्रत्यय जोड़ा तो योग तुम। वो आ रहा है, वो को किस में चेंज कर दिया, ओमे। धातु के अंत में क्या आता है, च वर्ग, च वर्ग को किस में चेंज करेंगे, क में। ऐसे ही यहाँ धातु में ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ की मात्रा को ओमे चेंज कर देंगे। धातु के अंत में आने वाला च वर्ग ज में आता है तो इसको क में चेंज कर देंगे। उसके बाद में क्रुद, क्रुद में ऊ की मात्रा को ओमे चेंज कर देंगे और धातु और प्रत्यय के बीच में ई की मात्रा लगा देंगे। ये वो धातु है जिनमें धातु और प्रत्यय के बीच में ई की मात्रा लगाई जाती है। तो ये तो हुआ था तुमन प्रत्यय। अब इसके बाद में अपन अगले वाले प्रत्यय की बात करते हैं कि अगले वाला प्रत्यय कौन सा है। तो अगला जो प्रत्यय है वो आता है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय की अपन यहां पर बात करते हैं, प्रत्यय नंबर चार, चौथा प्रत्यय है मतु, मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय। इसके शेष की अर्थ की बात करें कि अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, यह इसका है। पहला अर्थ तो ये होता है यह इसका है, दूसरा अर्थ होता है वाला, वाला। तो दो अर्थ में यह प्रत्यय लगता है, यह इसका है और वाला। अर्थ मीन्स शब्दों में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं इसके शेष की, इसका शेष क्या रहता है। तो मतु प्रत्यय का जो शेष रहता है वो क्या रहता है, मत शेष रहता है। मतु प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, मत, मत शेष रहता है। और ये मत किस में परिवर्तन हो जाता है, मान में, मान में परिवर्तन हो जाता है। मतु प्रत्यय का शेष क्या रहता है, मत, और ये मत किस में परिवर्तन होता है, मान में परिवर्तन होता है। इसके बाद इसमें शब्दों के कोई नियम नहीं होते क्योंकि ये प्रत्यय किस में लगता है, शब्दों में लगता है। जो प्रत्यय धातु में लगते हैं उनमें नियम परिवर्तन होते हैं या नियम लगते हैं, लेकिन जो प्रत्यय धातु में लगते हैं उनमें किसी भी प्रकार के कोई नियम जुड़ते नहीं है, क्योंकि शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। धातु में जो स्वर आते हैं उनमें परिवर्तन होते हैं। तो ये तो हो गया मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय का अर्थ यह इसका है या वाला, दो अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। शेष की बात करें तो मतु प्रत्यय का शेष क्या रहता है, मत शेष रहता है। और मत किस में परिवर्तन हो जाता है,
मन में परिवर्तन हो जाता है। अब इसके उदाहरण अपन बनाते कि उसका उदाहरण कैसे बनेंगे, तो यहां पर देखो इसके उदाहरण देखते हैं अपन कि उदाहरण कैसे बनते हैं। तो यहां पर तो आता है शब्द, फिर उसके बाद में प्रत्यय और फिर निष्पन्न शब्द, निष्पन्न शब्द। अब यहां पर देखो जैसे मैंने शब्द लिखा है यहां श्री, प्रत्यय कौन सा है अपने पास मतु। अब इस प्रकार से श्री शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका तीन प्रकार से रूप बनता है। पुल्लिंग, पुल्लिंग की अगर इसकी बात करें, फिर स्त्रीलिंग और फिर नपुंसक लिंग, तीन में इसके रूप बनाते हैं। मतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो श्री प्लस मतु, तो इसमें यहां क्या बनेगा शब्द, इसको यहां से लिख लेते हैं ताकि अच्छा दिखेगा, श्री शब्द और मतु प्रत्यय। देखो श्री शब्द मतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो पहला शब्द क्या बनेगा अपने पास में श्रीमान, क्या बनेगा श्रीमान, न हलंत रहेगा। दूसरे ये तो बना पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग की बात करें कि स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, तो स्त्रीलिंग में अपने पास में शब्द बनेगा श्रीमती, क्या बनेगा श्रीमती। और नपुंसक लिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या बनेगा श्रीमत। तो इस प्रकार से यहां पर एक शब्द के दो बनते हैं, श्री प्लस मतु, श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत। उसके बाद में अपन यहां पर शक्ति, दूसरा शब्द अपने पास में शक्ति प्लस मतु प्रत्यय, इसका शब्द बनाते हैं तो इसका क्या बनेगा शक्तिमान, शक्तिमत, शक्तिमती और शक्तिमत, बन गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहां बुद्धि की, बुद्धि शब्द प्लस मतु प्रत्यय, इसकी बात करें तो इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत। तो मतु प्रत्यय की अपन यहां पर बात करते हैं, मतु प्रत्यय इसका शेष रहता है मत। इसके नियम शब्द तीन प्रकार से बनते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में बनेगा श्रीमान, स्त्रीलिंग में बनेगा श्रीमती और नपुंसक लिंग में बनेगा श्रीमत। ये तो हुए इसके ऐसे धातु जिसमें, ऐसे शब्द जिसमें आ और आ नहीं आता है उसकी बात होती है। अगर आ और आ आता है वहां पर मतु प्रत्यय के साथ में जो उदाहरण बनेंगे वो कुछ अलग बनेंगे, क्योंकि इन शब्दों के साथ में तो मतु प्रत्यय का क्या शेष रहता है मत शेष रहता है, क्या शेष रहता है मत। और ये मत किसमें परिवर्तन होता है मान में, किसमें परिवर्तन होता है मान में। लेकिन जिस शब्द में अ और आ की मात्रा पीछे आती हो वहां पर मतु प्रत्यय का जो मत है वो मत किसमें परिवर्तन हो जाएगा वान में परिवर्तन हो जाएगा। तो मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय के उदाहरण याद रखना श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, शक्तिमान, शक्तिमती, शक्तिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत। ये तो वह अब इसके एक नियम है, वो नियम देखते हैं कि उसमें कैसे बनेगी। जैसे अगर शब्द के अंत में अ और आ स्वर आता हो तो वहां पर मतु प्रत्यय का मत वान में परिवर्तन हो जाता है। इसमें पहला नियम है, नियम नंबर एक। क्या नियम है देखो, यदि शब्द के अंत में, यदि शब्द के अंत में स्वर हो यानी अ और आ स्वर आते हैं, आते हैं तो मतु प्रत्यय का, मतु प्रत्यय का शेष वत रहता है और वत किस में परिवर्तन हो जाता है वान में। मतु प्रत्यय का शेष क्या रहता है वत, और ये वत किस में परिवर्तन हो जाता है वान में, वान, मतु प्रत्यय का वत शेष रहता है, रहता है। ठीक है,
देखो यदि शब्द के अंत में अ और आ स्वर आए आते हैं तो मतु प्रत्यय का शेष क्या रहता है वत, और ये वत किस में बदल जाता है, वान में बदल जाता है। अच्छी तरह याद रखना, अगर यदि शब्द के अंत में स्वर नहीं आए, शब्द के अंत में स्वर नहीं आते, कौन से अ और आ, इन दोनों स्वरों को छोड़ करके अगर कोई स्वर आ रहा है तो वहां तो क्या लगाना है मत, और मत के साथ में क्या बनेगा मान। लेकिन यदि शब्द में अ और आ स्वर आ रहे हैं, दोनों अ और आ ये दोनों स्वर आते हैं या इन स्वरों की मात्रा आती है, तो वहां पर मतु प्रत्यय का शेष क्या रहेगा वत, और ये वत किस में बदल जाएगा वान में बदल जाएगा। अच्छी तरह से याद रखना। अब अपन इसके उदाहरण देखते हैं कि इसके उदाहरण और उसके कैसे बनेंगे। तो यहां पर देखो उदाहरण की बात करते हैं अपन, ये शब्द प्रत्यय और ये निष्पन्न शब्द, निष्पन्न शब्द। अब इसमें अपन उदाहरण बनाते हैं, उदाहरण वही तीन प्रकार के बनेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीन प्रकार से उदाहरण बनेंगे। यहां पर शब्द जैसे मैंने लिखा है प्रज्ञा प्लस मतु, विद्या प्लस मतु, दया प्लस मतु, पुत्र प्लस मतु, उसके बाद में गंग प्लस मतु, यहीं तक रहने। देखो अब यहां पर ये शब्द और उन शब्द में देखो, पहले वाले जो अपन ने शब्द लिखे थे उसमें क्या लिखा था, श्री, भक्ति और शक्ति। आप कैसे पहचानेंगे कि किसमें मतु मत जोड़ना है, किसमें वत जोड़ना है? देखो यहां पर इनमें देखो, इनमें किस स्वर की मात्रा आ रही, ई की मात्रा आ रही, और इनमें किसकी मात्रा आ रही, आ की मात्रा, इसमें आ की मात्रा, इसमें आ की मात्रा और इसमें अ की मात्रा। तो जहां पर आ और अ आता है, मैंने लिखा है यहां पर जहां पर अ और आ दोनों स्वर आते हैं वहां पर मतु प्रत्यय का क्या शेष रहता है, वत शेष रहता है, और ये वत किस में बदल जाता है, वान में बदल जाता है। लेकिन जहां पर श्री शेष रहता हो, श्री स्वर आता हो, ऊ स्वर आता हो, ए स्वर आता हो, वहां पर मतु प्रत्यय का शेष क्या रहता है, मत, और वो मत में किस में परिवर्तन हो जाता है, मान में परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर शेष क्या रहता है, मान। अब इसके उदाहरण के अपन देखते हैं कि उदाहरण कैसे बनेगा। जैसे प्रज्ञा प्लस मतुफे, इसका इसमें पुल्लिंग में शब्द में क्या बनेगा, प्रज्ञावान, क्या बना, प्रज्ञावान। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, प्रज्ञावती, स्त्रीलिंग में बनेगा प्रज्ञावती। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, प्रज्ञावत, नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, प्रज्ञावत। इसके बाद में विद्या का जोड़ते हैं, इसका क्या बनेगा, विद्यावान, विद्यावती और यहां विद्यावत। दया के साथ में बनाते हैं, दया में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, दयावान। यहां दयावती और यहां दयावत। पुत्र के साथ में बनाते हैं, पुत्रवान, पुत्रवती और पुत्रवत। देखो तो यहां पर अच्छी तरह से याद रखना कि मतु प्रत्यय दो नियम में लगता है, शेष के उसमें यदि शब्द में अ और आ इन दोनों स्वरों की मात्रा आती हो या अ और आ स्वर आते हो तो वहां पर मतु प्रत्यय का शेष क्या रहेगा, वत शेष रहेगा, और ये वत शेष रहेगा तो वत किस में परिवर्तन होगा, वान में, किस में परिवर्तन होगा, वान में। लेकिन यदि अ और आ को छोड़ करके कोई दूसरे स्वर की मात्रा आती हो
अ और आ, ये दोनों स्वर नहीं आना चाहिए, ना तो अ आना चाहिए ना आ आना चाहिए। इन अ और आ को छोड़ करके अगर वहां किसी स्वर की मात्रा आ रही है तो वहां पर मतु प्रत्यय का शेष क्या रहेगा, मत, और वो मत किस में परिवर्तन होगा, मान में। तो यहां पर अच्छी प्रकार से याद रखना, यहाँ आ की मात्रा है, यहाँ आ की, यहाँ पर आ की और यहाँ पर अ की। तो जहां पर अ और आ इन दोनों स्वरों की मात्रा रही है वहां पर मतु प्रत्यय का शेष रहता है वत, और वत किस में बदल जाता है, वान में। लेकिन जहां पर अ और आ इन दोनों स्वरों को छोड़ करके किसी अन्य स्वर की मात्रा आ रही है वहां पर मतु प्रत्यय का शेष रहता है मत, और वो मत किस में बदल जाता है, मान में। तो अच्छी प्रकार से याद रखना, पुल्लिंग में इसका उदाहरण बनेगा प्रज्ञावान, स्त्रीलिंग में बनेगा प्रज्ञावती, और नपुंसक लिंग में बनेगा प्रज्ञावत। विद्यावान विद्यावती विद्यावत, दयावान दयावती दयावत, पुत्रवान पुत्रवती और पुत्रवत। तो ये तो हुई थी मतु प्रत्यय की बात, ठीक है। तो मतु प्रत्यय में अच्छी तरह से याद रखना, यह इसका है या वाला अर्थ, दो अर्थों में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये इस नियम से समझ लेना, यदि अ और आ इन दोनों स्वरों की मात्रा शब्द में आ रही है तो वहां पर मतु प्रत्यय का शेष क्या रहता है, वत शेष रहता है, और वत किस में बदल जाता है, वान में। लेकिन जहां पर अ और आ इन दोनों स्वरों को छोड़ करके किसी अन्य स्वर की मात्रा आ रही है वहां पर मतु प्रत्यय का शेष क्या रहता है, वहां पर शेष रहता है मत, और यह मत किस में बदल जाता है, मान में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, मान में। तो इस प्रकार से मतु प्रत्यय के उदाहरण में अच्छे से याद रखना कि कैसे बनते हैं। अब इसके बाद में अपन अगला वाला प्रत्यय देखते कि उसको कैसे बनाएंगे। देखो ये तो बात करी थी अपन ने मतु प्रत्यय की, मतु प्रत्यय का जो अर्थ होता है वाला या यह इसका है, इस अर्थ दो अर्थों में मतु प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के साथ में किया जाता है। शेष की बात करें कि मतु प्रत्यय का शेष क्या रहता है, तो मतु प्रत्यय का शेष दो रहते हैं, एक तो रहता है वत और एक रहता है मत। वत कहाँ रहता है, जहां पर अ और आ स्वरों की मात्रा आ रही है वहां पर वत का वान में परिवर्तन हो जाता है, और मत कहाँ रहता है, जहां पर अ और आ इन दोनों स्वरों की मात्रा नहीं आती हो वहां पर मत शेष रहता है, और मत किस में बदल जाता है, मान में बदल जाता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं टक प्रत्यय की। अगला वाला प्रत्यय है टक, टक प्रत्यय की बात करते हैं, टक प्रत्यय, टक प्रत्यय, ठीक है। इसके शेष की बात करें कि इसका शेष क्या रहता है, तो टक प्रत्यय का जो शेष रहता है वो क्या रहता है, ट शेष रहता है। टक प्रत्यय का जो बात करते हैं इसमें शेष क्या रहता है, ट, लेकिन ये किसमें बदल जाता है, इक में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, इक में। टक प्रत्यय के शेष की बात करें तो इसका जो शेष है वो क्या रहता है, ठ, और ये किसमें बदल जाता है, इक में बदल जाता है, किसमें, इक में। तो यहां पर मैं अच्छे से लिख देता हूं कि टक प्रत्यय में, टक प्रत्यय का, प्रत्यय का ठ शेष रहता है, रहता है, और यह ठ इक में बदल जाता है, इक में बदल जाता है, इक में बदल जाता है। ये तो है इसके, फिर इसमें एक नियम आता है कि नियम क्या है। देखो नियम में है कि शब्द की उपधा में, शब्द या धातु के उपधा में किसी स्वर की, स्वर की मात्रा आती हो, आती है तो उसका दीर्घ हो जाता है। शब्द या धातु की उपधा में किसी स्वर की मात्रा आ रही है तो उसका दीर्घ हो जाता है ना। दो नियम है। अब यहां पर इसके उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण कैसे बनेंगे। जैसे
टॉपिक है अपने पास उदाहरण। इसमें वही शब्द प्रत्यय और निष्पन्न शब्द, निष्पन्न शब्द। अब देखो प्रत्यय कौन सा जोड़ना है अपन को, टक प्रत्यय जोड़ना है। निष्पन्न शब्द जैसे मैंने यहां लिखा है, पहला देह टक प्रत्यय, देह टक प्रत्यय, ठीक है। वेद टक प्रत्यय, समाज टक प्रत्यय, वर्ष टक प्रत्यय और सप्ताह टक प्रत्यय। देखो यहां पर क्या आ रहा है, स्वर में देखो, यहां स्वर क्या आ रहा है, उपधा का मतलब होता है इधर से सेकंड वाला, यानी सेकंड लास्ट, इधर से जो सेकंड आएगा वो आएगा। तो इधर से सेकंड क्या है, इसमें, इसमें स्वर क्या आ रहा है, ए। इस ए का दीर्घ क्या होगा, बड़ा ए, क्या होगा, बड़ा ए। तो यहां पर मात्रा कौन सी लग जाएगी, बड़े ए की, क्योंकि ये कौन सा है, छोटा है। मात्रा कौन सी लगा दी अपन ने, बड़े ए की। अब यहां पर ठक का शेष क्या रहता है, ठ का एक शेष रहता है, तो एक की मात्रा किसमें लगेगी, हा में। तो यहां पर अब शेष क्या बचा, क बन गया शब्द अपने पास में। शब्द क्या बना, देहिक, क्या बना, देहिक। यहां देखना द में किस स्वर की मात्रा है, ए की, ए कौन सा वाला है, ये वाला, कौन सा वाला है, ये वाला। अब यहां पर इसका बड़ा करना है, तो बड़ा करेंगे तो इसका बड़ा क्या होगा, ये वाला। तो इसकी डबल मात्रा हो जाएगी, ए की डबल मात्रा दे, हमें किसकी मात्रा लगानी, ए की, और पीछे क्या है, देह क, जैसा है वैसा का वैसा है। तो शब्द क्या बना अपने पास में, देख। फिर इसके बाद में अपने पास में शब्द है वेद, वेद में मात्रा लगाएंगे बड़ी, द में किसकी मात्रा जोड़ेंगे, ई की, और पीछे क। तो शब्द क्या बनेगा अपने पास में, वैदिक। इसके बाद में समाज, समाज में टक प्रत्यय जोड़ेंगे, तो अ का क्या परिवर्तन होगा, आ, जैसा है मां, ज में किसकी मात्रा लगेगी, ई की, और ये सामाजिक। वर्ष का, वर्ग का परिवर्तन होगा, आमे, ठीक है। समय किसकी मात्रा लगाएंगे, ई की। आधार शब्द बन गया वार्षिक। इसके बाद में सब में इसमें समय क्या आ रहा है, अ, ह का परिवर्तन क्या होगा, आ, सा, ताइक का एक, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्यय कौन सा है, ये ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का शेष क्या रहता है, ठ शेष रहता है, और ये ठ किसमें परिवर्तन हो जाता है, एक में बदल जाता है। नियम है शब्द या धातु की उपधा में किसी स्वर की मात्रा आ रही है तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ। यहां पर देखो इधर से उपधा का मतलब इधर से सेकंड, तो सेकंड क्या है, ए, द, द में किस स्वर की मात्रा आ रही, ए की, ए स्वर की मात्रा आ रही, ए स्वर कौन सा वाला है, छोटा वाला, इसका बड़ा क्या बनेगा, ए, तो बड़े में दो मात्रा लगा दी, बड़ा हो गया। हमें किसकी मात्रा जोड़नी है, ई की, हमें की मात्रा जोड़ दी, पीछे क्या बचा, क, तो देहिक। वेद में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वैदिक, समाज में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे सामाजिक, वर्ष में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे वार्षिक, सप्ताह में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे साप्ताहिक। तो ये तो हुआ ठक प्रत्यय। फिर इसके बाद में अपन अगले वाले प्रत्यय की बात करते हैं कि अगला प्रत्यय कौन सा है। देखो इसके बाद में जो अगला प्रत्यय आता है वह प्रत्यय अपने पास में तव और तल प्रत्यय, तवम और तल प्रत्यय है। इसके बाद में अगला वाला प्रत्यय है त्वम और तल प्रत्यय, ठीक है। इसका अर्थ देखते हैं कि अर्थ किसमें आता है, इसका अर्थ आता है भाववाचक शब्द बनाने के लिए, भाववाचक शब्द बनाने के योग में, भाववाचक शब्द बनाने के योग में तवम और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। शेष की बात करें कि शेष क्या रहेगा,
शेष, तो तवम प्रत्यय का शेष क्या रहता है? तो वह शेष क्या रहता है? तो और इसके बाद में तल प्रत्यय, तल प्रत्यय का शेष क्या रहता है? ता, क्या रहता है? ता। देखो तवम प्रत्यय का शेष रहता है तो, तल प्रत्यय का शेष रहता है ता, क्या शेष रहता है? ता। ठीक है, अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं, अपन को सीधा शब्द बनाना है, तो अपन शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्द प्रत्यय यहां पर लिखते अपन पहला, तवम प्रत्यय ब्रैकेट में लिख देते हैं इसका शेष तो, दूसरा शब्द बनाते हैं अपन यहां पर तल प्रत्यय और इसका ब्रैकेट में लिख देते हैं ता, दोनों का। अब यहां से एक ही शब्द से दोनों प्रत्यय अपन बना सकते हैं, जैसे शब्द लिखा मैंने यहां पर दीर्घ गुरु लघु पटु मृदु। ठीक है, तो यहां से अब इनके शब्द बनाते हैं अपन। वीर, इनमें शब्द जोड़ना है, दीर्घ में प्रत्यय जोड़ेंगे यहां पर, दीर्घ शब्द दीर्घ में प्रत्यय जोड़ना है अपन को, कौन सा? तवम प्रत्यय। तो दीर्घ में तवम प्रत्यय जोड़ेंगे तो अपने पास में दीर्घ क्या बनेगा? दीर्घत्व। तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? दीर्घता। देखो तवम प्रत्यय का शेष क्या रहता है? तो शेष रहता है, क्या शेष रहता है? तो तल प्रत्यय का शेष क्या रहता है? ता। ठीक है, जो शेष रहता है वो इसमें जोड़ना है, गुरु में जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? गुरुत्व, या क्या बनेगा? गुरुता। लघु में जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? लघुत्व, और यहां क्या बनेगा? लघुता। पटु में जोड़ेंगे तो पटुत्व, और यहां क्या बनेगा? पटुता। मृदु में जोड़ेंगे मृदुत्व, और यहां क्या बनेगा? मृदुता। वीर में जोड़ेंगे वीरत्व, और यहां क्या बनेगा? वीरता। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना, तवम प्रत्यय का शेष क्या रहता है? तो तल प्रत्यय का शेष क्या रहता है? ता। एक ही शब्द से दोनों प्रत्यय बनाए जा सकते हैं, अर्थ किस में आता है? भाववाचक शब्द बनाने के युग में तव और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ शब्द में तवम प्रत्यय जोड़ेंगे, तवम प्रत्यय का शेष क्या है? तव शेष है, दीर्घत्व बन गया। दीर्घ शब्द में तल प्रत्यय जोड़ेंगे, तल प्रत्यय का शेष क्या है? ता, तो दीर्घता बन गया। गुरु में तव प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरुत्व, और तल प्रत्यय जोड़ेंगे गुरुता। लघु में तव प्रत्यय जोड़ेंगे लघुत्व, और लघु में तल प्रत्यय जोड़ेंगे लघुता। पटु में तव प्रत्यय जोड़ेंगे पटुत्व, और तल प्रत्यय जोड़ेंगे पटुता। मृदु में तव प्रत्यय जोड़ेंगे मृदुत्व, और तल प्रत्यय जोड़ेंगे मृदुता। वीर में तव प्रत्यय जोड़ेंगे वीरत्व, और तल प्रत्यय जोड़ेंगे वीरता। तो इस प्रकार से तवम और तल प्रत्यय दोनों से उदाहरण बनाए जाते हैं। तो ये तो हुआ अपने प्रत्यय का पूरा टॉपिक कंप्लीट।